ओह माय गॉड, वेरी नाइस। मतलब ये वार्निंग पहले ही इन्होंने दे दी है, कह रही है ना, वो कह रहा है यू आर सो इनोसेंट, तो उसे बता रही है तू सब्र तो कर मेरे यार, शादी होने दे, फिर देख तेरी माँ को जिंदा जलाऊंगी वरना ओल्ड एज होम तो भेज ही दूंगी। ये वाली फीलिंग इन्होंने अभी अपने एक्सप्रेशन से बताई है। नहीं तो एशिया के हिसाब से तो आपने सही कहा, आपका सवाल होना चाहिए था कि दुनिया में कौन मोस्ट हैंडसम प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि एशिया में कॉम्पिटिशन में है कौन कौन, नरेंद्र मोदी, इसके बाद श्रीलंका का जयवर्धना पुंतुनु पुंतुनु टुंटुनु, उसके बाद बांग्लादेश की कौन है, वो हसीना वाजिद है, कोई निकल ली, कोई और आ गया है, वही है वो बुढ़िया। उसके बाद कौन बचा एशिया में, किंग जोंग उन, फिर उसके बाद वो थाईलैंड का वो जो इसका पता ही नहीं चल रहा है, वो बादशाह या शहजादा है या शहजादी है, कौन है, कुछ मिक्स प्लेट्स है वो। अबे उनके बीच में तो इमरान खान मतलब हीरा है, हीरा उनके बीच में, दुनिया भर में लगाओ तो फिर जस्टिन ट्रूडो और फिर इमरान खान का मुकाबला हो, थोड़ा सा अच्छा लगे, हमें भी मजा आए। वेरी गुड, चलें तो ये बात आज आपने साबित कर दी है कि अच्छा डांस करने के लिए या गणेश हेगड़े जैसा डांस करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा उंगली की ज़रूरत नहीं होती। क्यों लोग कहते थे यार ये ऋतिक के पास एक एक्स्ट्रा उंगली है, इसी वजह से वो हर काम में उंगली करता, मेरा मतलब हर काम में जो है वो परफेक्शन दिखाता है, एक हिस्सा ज़्यादा है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अच्छा डांस कर सकते हैं विदाउट उंगली। ओह माय गॉड, ज़बरदस्ती की क्यूट, इतनी जहरीली क्यूट। खैर अच्छी वीडियो थी, लेकिन ये जो यहाँ से मेहंदी लगाते हैं ना, ये चिकन पॉक्स के दाने छुपाने के लिए लगाई जाती है, यहाँ तक की मेहंदी, वरना इसकी कोई खास जरूरत होती नहीं है इतनी ऊंची मेहंदी की। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।